हेलो फ्रेंड्स, शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम के फर्स्ट 4 वीडियोस में हमने शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। फिर मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ओवरहैंगिंग बीम के लिए और कैंटिलीवर बीम के लिए डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए किस तरह से शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ किया जाता है उसको डिस्कस किया था। अब आज इस 5th पार्ट में हम रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड रेट ऑफ लोडिंग को डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ। देखिए, मैंने कहा रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ लोडिंग, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मैंने सबसे पहले एक बीम कंसीडर किया। इस बीम के ऊपर कोई जनरल लोडिंग सिस्टम एक्ट कर रहा है, मतलब ये यूडीएल लगा है, वो पॉइंट लोड लगा है, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम। मैंने एक छोटा सा पोर्शन डीएक्स कंसीडर किया जिस पे ये यूडीएल लग रहा है, ये छोटा सा पोर्शन dx है, इस डिस्टेंस x है, क्लियर। अब इस dx डिस्टेंस का मतलब dx पोर्शन का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, या उसका इनलार्ज व्यू है ये इसका, क्लियर। अब फ्री बॉडी डायग्राम है मतलब इस सेक्शन पे कुछ शियर फोर्स बेंडिंग होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है उसको मैंने f और m बोल दिया, और राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है इस सेक्शन पे जो शियर फोर्स और बेंडिंग की वैल्यू है उसे मैंने f प्लस डी एफ और m प्लस डी एम बोल दिया, क्लियर। ये dx डिस्टेंस है और इसके ऊपर यू डिलेक्ट कर रहा है, क्लियर। और जो मैंने एज्यूम किया वो लिख भी दिया। मैंने कहा कि लेट शियर फोर्स एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन इज f एंड बेंडिंग मोमेंट इज m, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे क्या बोला आपने? मैंने कहा लेट शियर फोर्स एट राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन इज f प्लस डी एफ एंड बेंडिंग मोमेंट इज m प्लस डी एम, क्लियर। आप चाहें तो इंटरचेंज कर लीजिए, यहाँ पे अगर ज़्यादा बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे f प्लस डी एफ, m प्लस डी एम बोल दीजिए, और यहाँ पे f और m बोल दीजिए, क्लियर। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस सेक्शन पे मतलब लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी उसकी बात करता हूँ। मतलब मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ और इस पॉइंट पे शियर फोर्स की क्या वैल्यू है उसको देखते हैं, क्लियर। चलिए देखिए, जो आप जिस तरह से हम शियर फोर्स बेंडिंग एक बीम के लिए कैलकुलेट करते थे उसी तरह से आप इस पोर्शन के लिए भी कंसीडर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपने कंसिडर किया है ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम है। मतलब जिस तरह से आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस पे लगाते थे वो सेम हम इस पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब चलिए, तो शियर फोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। तो देखिए ये आपकी पोजीशन है। अब यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपको क्या क्या दिख रहा है वो देखिए। मुझे ये मोमेंट दिखता है, ये फोर्स दिखता है और ये यूडीएल दिखता है, और मुझे पता है कि मोमेंट डज नॉट गिव एनी शियर फोर्स, कि मोमेंट कोई शियर फोर्स नहीं देता। तो फिर शियर फोर्स कौन देगा? ये पॉइंट लोड और ये यूडीएल। अब ये पॉइंट लोड कितना देगा और ये यूडीएल कितना देगा उसकी बात करते हैं। तो चलिए, ये आपकी पोजीशन राइट डाउन पॉजिटिव, मतलब ये वाला जो फोर्स है ये कितना देगा? प्लस एफ प्लस डी एफ, क्लियर। अब ये जो यूडीएल है ये भी राइट डाउन पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा? प्लस W into dx. This is shear force at left hand side of the section. Clear? और मुझे अगर यहाँ से देखना हो तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे shear force कितना दिख रहा है? F. मैंने कहा था कि इस सेक्शन पे जो shear force है उसकी वैल्यू F. तो this is equal to F. इसको F से equate कर दीजिए। अब इस F को इस F से cancel कर दीजिए, तो dF upon dx इज इक्वल टू हो गया माइनस डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? देखिए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स एट अ सेक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ लोडिंग एट दैट सेक्शन, क्लियर। मैंने कहा कि यहाँ पे जो ये इक्वेशन आई ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स एट अ सेक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ लोडिंग एट दैट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन डाउनवर्ड लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। चलिए, तो अभी हमने रेट ऑफ लोडिंग और शियर फोर्स के बीच में रिलेशन ढूंढी। अब आगे चलते हैं और शियर फोर्स और बेंडिंग के बीच में रिलेशन की बात और करते हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे खड़े होके इस सेक्शन पे खड़ा हो जाता हूँ और बेंडिंग की बात करता हूँ कि यहाँ पे बेंडिंग की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट राइट and side of the section. ठीक है, चलिए हम इस सेक्शन पर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे बेंड यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये आपकी पोजीशन को डिनोट करता है, तो फिर यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, ये मोमेंट m दिख रहा है, ये शियर फोर्स की वैल्यू f है और ये यूडीएल है। मतलब मुझे तीन क्वांटिटीज़ दिखती हैं। ये m क्या करेगा, दिस m गिव्स सैगिंग मोमेंट, ये जो मोमेंट m है ये इसको सैग करने की कोशिश करेगा इस पोर्शन को, मीन्स m ये प्लस m हो गया, क्लियर। और ये f क्या करेगा, ये भी इसको सैग करने की कोशिश करेगा, ये इस पोर्शन को सैग करने की कोशिश करेगा, मतलब प्लस f इंटू डी एक्स, क्लियर। और ये जो यूडीएल है ये इस पोर्शन को हॉक करने की कोशिश करेगा, इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेगा, मतलब हॉक करने की कोशिश करेगा, मतलब माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स बाय 2, ये हो गया लोड और एक्ट क्या करेगा dx बाय 2, क्लियर। अब इस सेक्शन पे बेंड यूनिट की वैल्यू है कितनी, यहाँ से अगर देखूँ तो देखिए इस पोर्शन पे, इस पॉइंट पे खड़े हैं तो क्या क्या दिख रहा है आपको, ये फोर्स दिख रहा है और ये मोमेंट दिख रहा है। ये फोर्स जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, इसी सेक्शन से पास हो रहा है, मीन्स दिस फोर्स गिव्स जीरो मोमेंट अबाउट दिस सेक्शन, क्लियर। सिर्फ अकेले यही मोमेंट दिख रहा है और ये क्या कर रहा है, सेक कर रहा है, मतलब प्लस m प्लस डी, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अब यहाँ से ये m से m कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और ये ध्यान रखिएगा कि नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़, देखिए यहाँ पे dx बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, बहुत छोटा सा पोर्शन आपने कंसिडर किया, उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो गया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो और छोटा हो गया, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो फिर आपके पास क्या है, एफ डी एक्स इज इक्वल टू डी एम या डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ, ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज इक्वल टू शीयर फोर्स एट दैट सेक्शन, क्लियर। तो ये आपको रिलेशनशिप मिल गई किस किस के बीच में, बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स के बीच में, कि किसी भी सेक्शन पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट है वो उस सेक्शन पे शीयर फोर्स को की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब शीयर फोर्स के बराबर होता है, क्लियर। अब इसको मैं चाहूँ तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, डी एम इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, क्लियर। तो ये एक इक्वेशन और हो गई। इस इक्वेशन से मुझे पता चलता है क्या कि बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स एक लीनियर रिलेशनशिप में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब इस इक्वेशन से एक चीज़ और पता चलती है, देखिए अगर किसी भी बीम पे दो पॉइंट्स A और B के बीच में अगर आपको मोमेंट का डिफरेंस देखना, वो कैसे पता चलेगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मोमेंट MA है और इस पॉइंट पे मोमेंट MB है, ठीक है, और मुझे इन दोनों का डिफरेंस देखना, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँ तो देखिए इस इक्वेशन को मैं अगर इंटीग्रेट करूँ, कहाँ से कहाँ तक, A से लेके B तक इंटीग्रेट कर दूँ तो दिस इज़ इक्वल टू, ये a से b तक इंटीग्रेट कर दिया आपने, f dx, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करोगे तो m b माइनस m a, और ये राइट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a से लेके b के बीच में जो शीयर फोर्स कर्व है उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एरिया बिटवीन A to B of shear force diagram, ठीक है। मैंने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स किसी भी बीम में किन्हीं भी दो सेक्शन के बीच में आपने दो पॉइंट कंसीडर किए और उन दोनों पॉइंट के बीच में जो मोमेंट का डिफरेंस है, मतलब एम बी माइनस एम ए है, वो किसके बराबर है? वो एरिया बिटवीन ए टू बी ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, मतलब उन दोनों सेक्शन के बीच में जो शेयर फोर्स कर्व है उसके एरिया के बराबर होगा एम बी माइनस एम ए। क्लियर? अब हम कंसेप्ट ऑफ प्योर बेंडिंग को डिस्कस करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ प्योर बेंडिंग क्या होता है। तो कंसेप्ट ऑफ प्योर बेंडिंग को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और उस न्यूमेरिकल के थ्रू प्योर बेंडिंग के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने लिखा ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम फॉर द बीम एज शोन इन फिगर। दिस इज एन ओवरहैंगिंग बीम, दोनों साइड ओवरहैंग्स इक्वल ओवरहैंग्स है, मतलब ए डिस्टेंस है, और जो स्पैन लेंथ है वो एल। क्लियर? दो सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल। अब इक्वल लोड लग रहा है और सिमेट्रिक बीम, मतलब रिएक्शन कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हो? मैंने कहा कि दो सपोर्ट हैं तो दोनों पे हम रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ वर्टिकल लोड लग रहा है। तो मैंने बोला कि वी बी एंड वी सी बी द वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शंस एट सपोर्ट बी एंड सी। क्लियर? अब सिमेट्रिक बीम एंड सिमेट्रिक लोडिंग, तो रिएक्शन वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू 2W/2 हो जाएगा, मीन्स W हो जाएगा प्लस W। क्लियर? मतलब दोनों रिएक्शन जो आई वो कितने आ गई? W। तो इसको भी लिख दीजिए, ये W हो गया। सिमेट्रिक बीम है, सिमेट्रिक लोडिंग है, इसलिए मैंने हाफ कर दिया। ठीक, अब शेयर फोर्स कैलकुलेशन की बात करते हैं कि शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो हेडिंग डालिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एंड से। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट टी, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। आप डी पॉइंट पर खड़े हैं, क्या दिख रहा है? एक फोर्स दिख रहा है विच इज राइट डाउन। राइट डाउन मीन्स पॉजिटिव, तो ये प्लस डब्ल्यू आ गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं और यहाँ आगे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट राइट, किसी पॉइंट के जस्ट राइट पे खड़े हैं। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट राइट, क्या दिख रहा है? अभी भी एक ही फोर्स दिख रहा है विच इज राइट डाउन, मतलब प्लस डब्ल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं और सी के जस्ट लेफ्ट मीन्स यहाँ खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, अब क्या दिख रहा है? अब मुझे दो फोर्स दिख रहे हैं, एक राइट डाउन और एक रिएक्शन है जो कि राइट अप है। तो शीयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट, तो क्या आएगा? प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू मीन्स ज़ीरो। क्लियर? अब आगे चलिए और बी के जस्ट राइट यहाँ खड़े हो जाइए। ठीक है, अब क्या क्या दिख रहा है? अब देखते हैं शीयर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट राइट, कि बी के जस्ट राइट पर खड़े हैं। तो क्या दिख रहा है? अभी भी आपको ये दो ही फोर्स दिख रहे हैं, एक राइट डाउन पॉजिटिव प्लस डब्ल्यू और एक राइट अप नेगेटिव, मतलब माइनस डब्ल्यू, तो ज़ीरो हो गया। अब बी के जस्ट लेफ्ट, मतलब यहाँ खड़े हो जाइए, ये आपकी न्यू पोजीशन होगी। ठीक है, तो क्या आएगा? शीयर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट लेफ्ट, कि बी के जस्ट लेफ्ट खड़े हैं। अब मुझे एक ये रिएक्शन दिखती है, एक ये रिएक्शन दिखती है और एक ये पॉइंट लोड दिखता है, मतलब प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू मीन्स माइनस डब्ल्यू। क्लियर? अब ए पॉइंट पर आ जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए और बस यहाँ पे इसी पॉइंट पे खड़े हो सकते हैं क्योंकि इधर ही बीम है, इस साइड तो बीम ही नहीं है। तो चलिए लास्ट पॉइंट, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, उस साइड से देख लीजिए। तो अभी भी क्या दिख रहा है? लेफ्ट, एक ही फोर्स दिख रहा है, वो है लेफ्ट डाउन, मतलब माइनस डब्ल्यू, या इस साइड से देख लीजिए तो प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू विच इज माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास में शेयर फोर्स की वैल्यूज होंगी। ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लेते हैं। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी प्लस डब्ल्यू, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, अभी भी ये प्लस डब्ल्यू, ये आ गया। ठीक है, चलिए शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट ज़ीरो, तो इस प्लस डब्ल्यू को इस ज़ीरो से ज्वाइन कर दीजिए, मतलब यहाँ आ गए। दिस इज शेयर फोर्स एट पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब शेयर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट राइट, ये ज़ीरो, तो इस जीरो को इस जीरो से ज्वाइन कर दीजिए तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब shear force at point B just left which is minus W, minus W means ये आ गया, क्लियर। और फिर से shear force at point A वो भी minus W, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये minus W, ये minus W। ठीक है, मतलब shear force डायग्राम जो दिखेगा इस बीम का वो कुछ इस तरह का दिखेगा, दिस इज shear force डायग्राम, क्लियर। अब इसके बेंडिंग की बात और कर लेते हैं, तो लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, इसका थर्ड स्टेप है। इस थर्ड स्टेप में लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ठीक है, तो चलिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, बेंडिंग मोमेंट at point D which is equal to 0। क्यों? क्योंकि इस फोर्स के इस पॉइंट से डिस्टेंस 0, मतलब पेंडेंट पॉइंट D इज 0। अब आगे चलिए और C पॉइंट पर जाइए। देखिए ये जो VC है दिस गिव्स 0 मोमेंट अबाउट पॉइंट C, क्योंकि वहीं से पास हो रहा है, तो आपको एक ही फोर्स दिख रहा है, वो W वो क्या करेगा, हॉक करेगा, क्लियर। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू माइनस W इंटू A, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अब B पे देखते हैं, तो लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B। अब देखिए ये आपकी पोजीशन, ये क्या करेगा, हॉक करेगा, मतलब माइनस W A प्लस L, और ये जो VC है ये क्या करेगा, सेक करेगा, मतलब प्लस W इंटू L, तो ये कितना आ गया, माइनस डब्ल्यू ए, क्लियर। और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए लास्ट ये और देख लीजिए विच इज इक्वल टू 0, क्यों, इस फोर्स की इस पॉइंट से डिस्टेंस 0, इस साइड से देख लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए इज 0, क्लियर। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट डी 0 और बेंडिंग मोमेंट पॉइंट सी माइनस डब्ल्यू इंटू ए, क्लियर। तो ये माइनस डब्ल्यू इंटू ए हो गया, एक्सेस के नीचे मतलब नेगेटिव, एक्सेस के ऊपर होता तो पॉजिटिव बोल देते। चलिए बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए 0 और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी माइनस डब्ल्यू इंटू ए, ये आ गया। ठीक है, ये डब्ल्यू इंटू ए हो गया, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो बेंडिंग डायग्राम जो आया वो ये आ गया। ठीक है, चलिए इससे मुझे क्या पता चला, हम उसकी बात करते हैं। मैंने कहा था ये कंसेप्ट ऑफ प्योर बेंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये प्योर बेंडिंग के कंसेप्ट को क्यों रिप्रेजेंट करता है वो आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जिस पॉइंट पे शीयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है उस पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन जिस पोर्शन में शीयर फोर्स 0 होता है उस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट होता है। ठीक, और अगर ये बीम BC पोर्शन में से फेल होता है, अगर ये बीम BC पोर्शन में से फेल होगा तो इंटायरली ड्यू टू बेंडिंग के कारण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 है। मैंने आपसे कहा था कि कोई बीम अगर फेल होता है तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कंबाइंड इफेक्ट के कारण फेल होता है, लेकिन अगर ये BC पोर्शन में से बीम फेल होगा तो किसके कारण फेल होगा, इंटायरली ड्यू टू बेंडिंग के कारण। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कंसेप्ट है इसे कंसेप्ट ऑफ प्योर बेंडिंग बोलते हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बेंडिंग इक्वेशन आप ड्राइव करते हैं सम में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप करोगे एम बाई आई इज इक्वल टू एफ बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये जो बेंडिंग इक्वेशन है ये इसी कंसेप्ट से ड्राइव होती है, कंसेप्ट ऑफ प्योर बेंडिंग से ही ड्राइव होती है, क्लियर। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करने के पहले हम इफेक्ट ऑफ कपल की बात और कर लेते हैं कि किसी भी बीम के ऊपर जो कपल इंड्यूस होता है वो किस कारण से इंड्यूस होता है। ठीक है, तो मैं इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई करता हूँ, 3 केसेस में डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में हम बोलते हैं कि अगर किसी बीम के ऊपर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करते हों किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो फिर ये दोनों फोर्स मिलके एक कपल इंड्यूस करेंगे, और उसे हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग कपल, विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म मतलब दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा m, m की वैल्यू जो होगी p इंटू 2a। क्लियर। अब सेकेंड केस में बोलता हूँ कि अगर किसी बीम के ऊपर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो किसी एक डिस्टेंस पे, ठीक है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 2a है, तो फिर ये दोनों फोर्स एक प्योर एक्सियल फोर्स देंगे और उसकी वैल्यू जो होगी वो दोनों फोर्स के समीशन के बराबर, मतलब 2p के बराबर हो जाएगी। क्लियर। अब मतलब ये जो सेकंड केस में जो दोनों फोर्स मिलके फोर्स देंगे ये एक्सियल फोर्स देंगे, ये कोई कपल इंड्यूस नहीं करते। क्लियर। अब इस थर्ड केस की बात करते हैं। अगर किसी बीम के ऊपर एक फोर्स किसी डिस्टेंस पे एक्ट करता है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके इफेक्ट को समझते हैं। तो देखिए इसके इफेक्ट को समझने के लिए मैं एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देता हूँ, ये P बोल देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स P अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम लगा सकते हैं इस तरह से। अब ये दोनों फोर्स एक पोल और अपोजिट हो गए और एक डिस्टेंस A पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों फोर्स मिलके एक कपल इंड्यूस कर देंगे। क्लियर। और ये एक्स्ट्रा डायरेक्शन में एक फोर्स भी तो एक्ट कर ही रहा है, मतलब इस लोडिंग सिस्टम का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो बेंडिंग भी होगा और एक्सियल फोर्स भी होगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे कपल इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी P इंटू ए, क्योंकि ये फोर्स P है और A डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, मतलब जो कपल है वो m इज इक्वल टू पी इंटू ए हो गया और एक्सियल फोर्स p हो गया। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ये कंबाइंड इफेक्ट होगा इसका, क्या, बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स। क्लियर। अब हम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की बात और करते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम डायरेक्टली बता पाते हैं कि हमने जो बेंडिंग एंड शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया है वो सही है या गलत है। क्लियर। तो शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ। Internal forces means shear force and bending moment are equal and opposite at any given section from two different sides if there is no load present at that section. अगर किसी सेक्शन पे कोई लोड एक्ट नहीं करता और उस सेक्शन पे आप shear force या bending moment कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो लेफ्ट वाला पोर्शन कंसीडर कर लीजिए या राइट वाला पोर्शन कंसीडर कर लीजिए और फिर उस सेक्शन पे shear force और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करिए। दोनों ही साइड से shear force और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर। बस उसकी डायरेक्शन अलग होगी, मतलब अगर इस पोर्शन से आप shear force की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फिर अगर ये अपवर्ड आती है तो फिर जब इस पोर्शन से कंसीडर करोगे तो वो डाउनवर्ड आएगी। क्लियर। अगर आप बेंडिंग मोमेंट इस पोर्शन को कंसीडर करके कैलकुलेट करते हैं इस सेक्शन पे और अगर वो क्लॉकवाइज आता है तो फिर जब इस पोर्शन को कंसीडर करके कैलकुलेट करोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है लेकिन इफेक्ट सेम है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये भी सैग कर रहा है ये भी सैग कर रहा है, मतलब मोमेंट जो है बेंडिंग मोमेंट वो सैगिंग ही रहेगा, लेकिन इधर क्लॉकवाइज हो गया तो इधर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसी तरह से मैंने कहा कि शियर फोर्स के लिए अगर इधर डाउनवर्ड लग रहा है तो इस पोर्शन को जब कंसीडर करोगे तो अपवर्ड आ जाएगा, मतलब उस सेक्शन के इक्विलिब्रियम के लिए वो एक से अपवर्ड निकलता है तो दूसरे से डाउनवर्ड निकलता है, इससे अगर क्लॉकवाइज निकलता है तो इससे एंटी क्लॉकवाइज निकलता है, लेकिन वैल्यूज़ मतलब मैग्नीट्यूड और उसका नेचर सेम होता है। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट देखिए। इफ़ shear force changes sign at a section then bending moment at that section is either maximum or minimum। मैंने कहा कि अगर shear force की वैल्यू किसी पॉइंट पे ज़ीरो हो या shear force कर्व जो है वो साइन चेंज कर रहा हो तो उस पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू मैक्सिमम होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट देखिए। द पोर्शन इन विच shear force is constant, bending moment curve is varying linearly। कि जिस पोर्शन में मतलब किन्हीं भी दो सेक्शन के बीच में अगर shear force constant है तो bending moment curve जो होगा वो linearly vary कर रहा होगा। क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखिए। द पोर्शन इन विच shear force curve is varying linearly, bending moment curve varying parabolically। मतलब अगर किन्हीं दो पोर्शन के बीच में shear force कर्व लीनियरली वेरी करता है तो बेंडिंग मोमेंट कर्व पैराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर। और ये कब होता है? जब आप यूडेल लगाते हैं किसी भी बीम के ऊपर। जब किसी बीम के ऊपर यूडेल एक्ट करता है तो फिर उसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो लीनियरली वेरी करता है और जो बेंडिंग कर्व होगा वो पैराबोलिक लॉ को फॉलो करता है। आप कोई भी डायग्राम उठा के देख लीजिए, किसी भी बुक में आपको यही रूल्स फॉलो होते हुए दिखेंगे। क्लियर। अब देखिए, इससे मुझे एक चीज़ और पता चली। क्या? द shear force curve is 1 degree higher than the curve for loading and bending moment curve is 1 degree higher than the curve for shear force। मतलब जो shear force curve होता है वो loading curve से 1 डिग्री हायर साइड होता है। उसी तरह से जो bending moment curve है वो 1 डिग्री हायर साइड होगा shear force curve से। क्लियर। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे shear force लिखा, वहाँ पे bending moment। अगर shear force जो है वो constant है किन्हीं भी दो सेक्शन के बीच में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से आपने ज्वाइन किया, तो फिर बेंडिंग मोमेंट कर्व जो होगा वो लीनियरली वेरी कर रहा होगा उन दो सेक्शन के बीच में। क्लियर। इसी तरह से अगर किन्हीं दो सेक्शन के बीच में अगर शियर फोर्स कर्व लीनियरली वेरी करता है तो बेंडिंग मोमेंट कर्व उस पोर्शन में पैराबोलिक लॉ को फॉलो कर रहा होगा। अगर शियर फोर्स कर्व पैराबोलिक लॉ को फॉलो कर रहा है तो फिर बेंडिंग मोमेंट कर्व जो होगा वो क्यूबिक पैराबोलिक लॉ को फॉलो कर रहा होगा। मतलब शियर फोर्स कर्व हमेशा 1 डिग्री कम होगा बेंडिंग मोमेंट कर्व से। ठीक है। ये कब होता है? शियर फोर्स कर्व पैराबोलिक हो और बेंडिंग मोमेंट कर्व क्यूबिक पैराबोला हो। ये कब होगा? जब लोड ट्रायंगुलर लोडिंग हो या ट्रेपेजॉइडल लोडिंग हो। मतलब जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है तब ये वाली कंडीशन मिलती है। ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। क्लियर। मैंने अभी आपको ट्राई करके बताया था कि m = Fx + C होता है। क्लियर। अब एक पॉइंट और देखिए, इफ बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन एट एनी पॉइंट सच ए पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। मतलब अगर किसी पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू 0 हो और बेंडिंग कर्व साइन भी चेंज कर रहा हो तो फिर उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। क्लियर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, व्हेन बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन कर्वेचर आल्सो चेंजेस साइन एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। कि अगर बेंडिंग मोमेंट कर्व साइन चेंज कर रहा हो, ठीक है, तो फिर कर्वेचर भी साइन चेंज कर रहा होगा। जो बीम है वो किसी उसका जो कर्वेचर है वो भी साइन चेंज कर रहा होगा, तो फिर मैंने कहा कि उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर। अब द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट कर्व एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। कि बेंडिंग मोमेंट कर्व का जो स्लोप होता है किसी भी सेक्शन पे वो उस सेक्शन पे शियर फोर्स के बराबर होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा dm/dx = v। इसको हमने ड्राइव भी किया था अभी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स कर्व सिग्निफाइज द डाउनवर्ड लोड इंटेंसिटी। कि अगर शियर फोर्स कर्व का स्लोप नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड लोडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा कि वो डाउनवर्ड लोड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब देखिए आगे, इफ पॉइंट लोड एक्ट ऑन द बीम सडन चेंजेस ऑकर्स इन द शियर फोर्स डायग्राम एट दैट सेक्शन। कि अगर किसी लोडिंग डायग्राम में पॉइंट लोड लगा है तो फिर उसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वहाँ पे उस सेक्शन पे सडन चेंज होगा, और कितने का होगा? जितने का वो पॉइंट लोड लगा हो। क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा कि अगर इफ मोमेंट एक्ट्स ऑन द बीम सडन चेंजेस ऑकर्स इन द बेंडिंग डायग्राम एट दैट सेक्शन। बेंडिंग डायग्राम आपको सडन चेंज कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी पॉइंट पर मिलेगा जहाँ पर मोमेंट लगा होगा, और उतने का ही लगा होगा जितने का, मतलब उतने का ही सडन चेंज मिलेगा जितने का मोमेंट लगा होगा। क्लियर। और इसीलिए मैंने कहा था कि जिन पॉइंट पे सडन चेंज मिलता है, चाहे वो शियर फोर्स डायग्राम हो चाहे बेंडिंग डायग्राम हो, आपको उन पॉइंट्स के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट खड़े होके कैलकुलेट करना होता है। क्लियर। अब शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 6th पार्ट में, हम किसी भी शियर फोर्स डायग्राम से लोडिंग डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसकी बात करेंगे। थैंक यू।